टू विटनेसेस प्रोग्राम और मैं आपके अद्भुत पत्रों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिस रीति से आपने बताया एक कार्यक्रम आपको आशीष दे रहा है एंड योर लेटर शो मी दैट हाउ यू बीन य These आपके पत्र मुझे ये दिखाता कि ये शिक्षाओं के द्वारा कैसे आपके अंदर परमेश्वर के बड़े काम हुआ है दि टू विटनेसेस आर नॉट जस्ट सिंपल कैरेक्टर्स मैं इन द बाइबल ये दो गवाही एक साधारण चरित्र जो बाइबल में बताई गई वाली बात नहीं है दिस इज रियल इवेंट दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस वेरी सुन नाउ और ये बहुत ही हकीकत की घटना है बहुत ही जल्द अभी होने वाला है नॉट सिंबॉलिक और वो एक निशानी वाली एक चरित्र भी नहीं है द रियल मैन विल कम टू नेशन ऑफ इजराइल टू डू एंड टाइम्स मिनिस्ट्री वास्तविक पुरुष लोग आने वाले हैं इन अंतिम दिनों की सेविकाए को पूरा करने के लिए सो वट है अब तक हमने क्या क्या अध्ययन किए हैं और डिड वी स्टडी लास्ट वीक या हम पिछले हफ्ते हमने क्या अध्ययन किया है जस्ट टू रिफ्रेश माइंड सो वी कैन कंटिन्यू फ्रॉम आपके मस्तिष्क को ताजा करने के लिए जिससे कि वहाँ से हम शुरुआत करने पाए लेट्स वॉच ऑफ लास्ट वीक प्रोग्राम पिछले हफ्ते की कार्यक्रम की एक छोटी सी शुरू की हम देखें वेन अ नेशन इज वॉकिंग राइट बिफोर गॉड जब एक राष्ट्र परमेश्वर के सामने सही चाल चलता है चर्च इज वॉकिंग राइट बिफोर गॉड जब कलेशिया परमेश्वर के सामने सही चाल चले When a ग्रुप इज वर्किंग राइट बिफोर गॉड जब लोगों की झुंड परमेश्वर के सामने सही चाल चलते हैं प्रॉफिट विल डॉन्ट मेकरेंस भविष्यता एक मेहमान के रूप में नहीं दिखाई सकता है समय समय पर आकर प्रभु के वचन को But when बट nation turns away अवे फ्रॉम फॉलोइंग ट्रू लिविंग गॉड जब एक राष्ट्र सच्चे परमेश्वर की अनुकरण करने से पीछे अट जाते हैं When अ चर्च walks अवे फ्रॉम फॉलोइंग ट्रू लिविंग गॉड क्राइस्ट जीसस जब एक कलिशिया परमेश्वर जो सच्चा प्रभु है उसके अनुकरण करना छोड़ दें वेन अ पीपल ग्रुप और इंडिविजुअल वर्क अवे फ्रॉम द परफेक्ट पाथ टू डू समथिंग that they have not been asked to जब एक व्यक्ति या एक लोगों की झुंड सिद्ध मार्ग से निकल जाते हैं और ऐसा कार्य करते हैं जिस कार्य उन्हें करने के लिए नियुक्त नहीं किए गए हैं एंड गॉड तब परमेश्वर भविष्यवक्ता को भेजता है द प्रोफिट जॉन द बपतिस्त केम टू डू हिज मिनिस्ट्री भविष्यवक्ता योहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने सेवा करने आया एंड when a large number of people heard the message of repentance from

किसने तुम्हें आने वाले प्रकोप से बचने के लिए रास्ता दिखाया He was asking them if their repentance was real. उनसे वो पूछ रहा था क्या उनके मन फिराव सच्चा है if their repentance is real, अगर उनके मन फिराव सच्चा है उसमें क्या होगा उसके बदले उनके बाहर अच्छा काम दिखाई देगा इस ब्रिंग fruits worthy ऑफ जो परिवर्तन हुआ है उस मन फिराव की अच्छे फल ले आओ आई एम श्योर यूर फर्ट ऑफ दिस कॉल हाइपरग्रेस मैं निश्चय जानता हूँ आप सब शैतानी जो जूटी शिक्षा अनुग्रह के विषय में आपने सीखा होगा वन एस्पेक्ट ऑफ द हाइपरग्रेस टीचिंग इज God looks inside you. It doesn't matter how you live. और वो शिक्षाओं की एक महत्वपूर्ण शिक्षा ये है ऊंची अनुग्रह की परमेश्वर आपकी अंदर के भाग को देखता है ना कि आप कैसे बाहर दिखाई देते हैं God looks at your heart. परमेश्वर आपके हृदय को देखते हैं He doesn't look at your filthy lifestyle. वो आपके गंदगी वाली जीवन शैली को नहीं देखता One more time I say to you. मैं एक और बार बताता हूँ This hyper grace teaching is from the pit. अनुग्रह की शिक्षा नरक की कुंड में से है इट इजन फ्रॉम दिंगडम शैतान के राज्य की एक धोखा है ये ध्यान दीजिए देने वाला क्या कहते हैं इफ यू क्लेम योर सल्वेशन इज रियल अगर तुम प्रमाणित करते हो की तेरे उद्धार सच्चा है Bring forth fruits worthy of repentance वर्दी ऑफ द चेंज सेकेंड प्लेस इन साइट यू मन फिराव की योग्य और जो परिवर्तन आपके अंदर आया है उसकी योग्य फल ले आओ दिस इज द सेम थिंग द प्रॉफ़िट इलाइज सेट यही बात भविष्यता एलिया ने भी कहा टर्न बैक फ्रॉम विकेट वेस्ट अपने दुष्ट राहों में से मन फिरो टर्न बैक फ्रॉम फॉलोइंग बाल एंड अस्त्रोत बाल और अस्त्रोत की सेवा करने में ऐसी मन फिरो रिंग फॉर फ्रूट चेंज इन साइड यू आपके अंदर की परिवर्तन की योग्य फल ले आओ वेन यूर truly born again, आप सच्चाई में नया जन्म अगर पाए हो your old lifestyle। अपने पुरानी जीवन शैली में जारी नहीं रह सकते हैं dressing will change। आपकी पहनाव भी बदलेगा Your mannerism changes। आपकी आदतें बदलेंगी inside you that will produce Holiness. और आपके अंदर के परिवर्तन एक पवित्रता की फल ले आएगा सो गॉड टू कॉल द पीपल टू टर्न बैक टूवर्ड्स हिम इसलिए परमेश्वर अपने भविष्यता को भेजता है कि अपने लोगों को अपनी ओर फेरने के लिए इफ यू रीड द प्रोफिटिकल बुक्स फ्रॉम ओज राइट अप टू अपल In the Old पुराने नियम में होशिया से लेकर मलाकी तक की की पुस्तकों का पढ़ेंगे आप ध्यान देने पाएंगे सारे ग्यारह भविष्यता जो छोटे भविष्यता कहलाते हैं लोगों को परमेश्वर की ओर फेरने के लिए बुलाये so यही एक प्रमुख काम जो दो गवाही भविष्यता के रूप में वो कार्य करने लगे एंटायर वर्ल्डिंग गॉड वो सारे संसार को सच्चे परमेश्वर की आराधना की और पुकार देंगे the antichrist and the false prophet will also be in this world or jute the false prophet will be promoting वर्शिप ऑफ द्राइस्ट जूट भविष्यता लोग मसी विरोधी की आराधना की ओर अगुवाई दर्ल्ड टू टर्न बैक टू फॉलोइंग दू लिविंग गॉड मगर दो गवाही परमेश्वर की वो लोगों को परमेश्वर की सच्चे परमेश्वर की आराधना की ओर पुकारेंगे सो लास्ट वीक वी बिगेन टू स्टडी अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द टू विटनेसेस पिछले हफ्ते हमने उन दो गवाहियों की पहचानों के विषय में अध्ययन करना शुरू किए सो वी फाउंड आउट दैट दे आर टू प्रॉफिट हमने ये पता लगाया कि वो दो हैं। भविष्यता है इवेंजलिस और टीचर्स वे, वे ना कोई प्रेरित या सुसमाचारक या पासवान या शिक्षक नहीं हैं। बट स्पेसिफिकली प्रॉफिट मगर नियुक्त तरीके से भविष्यवक्ता लोग हैं। सो वन ऑफ द प्राइमरी ड्यूटी Of a prophet is they prophesy. की एक प्राथमिक कार्य यह है की भविष्यवाणी करते हैं एंड वट दे प्रोफेसर और वो किस बातों की भविष्यवाणी करते हैं आई बिलीव विद ऑल माई हार्ट बेस्ड ऑन दिप्चर्स दर्क ऑफ प्रोफिटाइजिंग विच दे Revelation chapter 10 verse 11, विश्वास करता पर जो भविष्य लोग अपने भविष्यवाणी की जो प्रकाशित ग्यारह पद के अनुसार वो करेंगे न इफ यू रीड रेवल चैप्टर टेन वर्ष इलेवन जब आप प्रकाशित वा के दस अध्याय के ग्यारहवे पद पढ़ेंगे जॉन टू ईट एक सामर्थ्य स्वग दूत प्रेरित योहना के लिए एक पुस्तक देता है खाने के लिए एन एस एस दैट जिस क्षण वो उसे खा लेते हैं ही ए प्रोफेटिक इम्पोर्टेशन वो एक भविष्यवाणी के अभिषेक उनके ऊपर लगाया जाता है एंड एंजल हिम उनसे कहते हैं नाउ यू मस्ट प्रोफेसाइज टू किंग्स अब तुम्हें राजाओं के लिए भविष्यवाणी करना है इट्स नॉट वन किंग बट किंग्स वो सिर्फ एक राजा नहीं राजाओं के लिए यू मस्ट प्रोफेसाइज टू नेशन राष्ट्रों के लिए तुम्हें भविष्यवाणी करनी है एंड यू मस्ट प्रोफेसाइड टू डिफरेंट पीपल ग्रुप्स अलग अलग लोगों के झुंडों के लिए तुम्हें भविष्यवाणी करना है एंड यू मस्ट प्रोफेसाइड टू डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप अलग अलग भाषाओं के लोगों के लिए तुम्हें भविष्यवाणी करना है बट इफ यू रीड द बुक ऑफ रेवलेशन वेरी केयरफुली अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे दो द अपोसल जॉन रिसीव कमीशन जबकि प्रेरित ने उस आदेश को पाया है ही नेवर डिड एनी

प्राप्त करने के लिए जो अब हैं उनके संतान और वो जो बहुत दूर तक आने वाले हैं उनके लिए भी है सो वेन द होल स्प्रेड वॉज फॉट आउट ऑन द डे ऑफ पेंट अपॉन द फर्स्ट सेंचुरी There. जब पवित्र आत्मा पेंटकोस के दिन पहले सदी के मसीह लोग जहाँ जमावती उनके ऊपर गया वे रिव नॉट ओनली जस्ट फॉर देने प्राप्त किया सिर्फ वो उन्हीं के लिए नहीं था ओल्सो फॉर अदर्स वो दूसरों के लिए भी था फर्स्ट ग्रुप रेप्रेजेंटेटिव वो पहला है जो प्रतिनिधि है इन द सेम मैनर वर्सल ठीक वैसा ही जो प्रेरित ने प्राप्त किया है आईलैंड ऑफ पेटमोस क्यूँकी अपने जीवन भर वो पद्म में ही व्यतीत किया एंड हाउ कुड ही तब वो कैसे राज्यों के लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं हाउ कुड ही हैव प्रोफेसाइड टू डिफरेंट नेशंस तो कैसे वो अलग अलग राष्ट्रों के लिए भविष्यवाणी किए होंगे हाउ कुड ही हैव गॉन टू डिफरेंट नेशंस टू स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेजेस टू डिफरेंट पीपल ग्रुप्स वो कैसे अलग अलग राष्ट्रों में जाकर अलग अलग भाषाओं के लोगों के लिए और लोगों के झुंडों के लिए भविष्यवाणी करें बट दैट इज अमेजिंगली फुलफिल्ड

अब ये बताता है, दो गवाहियों की संसार भर के लोगों के पर असर किया है। There were three groups of people who affected. वहां पे तीन प्रकार के लोगों के झुंड पर असर हुआ है One group affected and repented. एक झुंड के पर असर हुआ मगर वो मन फिराए। group ग्रुप वॉज अफेक्टेड एंड very वेरी एंग्री अगेंस्ट मगर दूसरे झुंड के पर असर हुआ मगर वे बहुत ही क्रोधित हो गए। Another ग्रुप वॉज अफेक्टेड And they plotted how to kill them. And when the two witnesses eventually died, we read that people all over the world were sending gifts to one another and rejoicing that these two prophets who tormented them. Had finally died. सारे संसार के लोगों ने एक दूसरे के लिए मिठाई और उपहार बांटते हुए आनंद मना रहे थे ये कहते इन दो लोगों जो पूरा संसार को सता रहे थे अभी मर चुके हैं you know, today, आजकल के दिनों में इंटरनेट की खरीदारी बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका है एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट डोट यू अग्री ये बहुत ही आसान है आप सहमत नहीं है सो देनेट शॉपिंग टूट गिफ्ट फ्रॉमर एंड ऑफ दर्ड को को तो कहते दो भविष्यता जो सतारे थे अभी मर चुके हैं मगर मैं चाहता हूँ की एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आप यहाँ पर ध्यान दें टू विटनेसेसपेफिकली स एंड प्रोफेसाई इन इजराइल ये दो गवाही तरीके से इसराइल में भविष्यवाणी करने के लिए भेजे गए हैं सो प्रोबली दे वुड बी स्पीकिंग इन दिब्रू लैंग्वेज हो सकता है वे इब्रानी भाषा में वो बात कर रहे हो

सेटेलाइट टेक्नोलॉजी एक संभावना है जो सेटेलाइट की तकनीकों के द्वारा बट इवन देन देर मस्ट बी वन डेडिकेटेड मीडिया ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री दैट विल ट्रांसलेट ऑल दे मैसेजेस इन टू डिफरेंट लैंग्वेजेस सो दैट यू हैव अ ग्लोबल वर्ल्ड वाइड इफेक्ट भी हमारे एक चैनल की जरूरत होगा जो इसमें अपने आप को समर्पित होंगे विषयों को सारे भाषाओं भाषाओं में में संसार के अनुवाद करके वो लोगों नेशनल लीडर्स इन डिफरेंट नेशन ताकि इनके काम सारे राष्ट्रों में उनके राज्यों के ऊपर असर करने पाए एंड प्रोफिटिंग Of उनके भविष्यवाणी कई राष्ट्रों के अपने गंतव्यों को भी असर कर पाएंग्रीपल so, उनके भविष्यवाणी की, की लोगों की झुंड पर असर करेगा सो इन दैट वे द प्रोफेसि इन रेवल्यूशन चैप्टर टेन इलेवन विल बी लार्जली फुल्ड टू द टू विटनेसेस ताकि इस द्वारा इन दो गवाहियों के द्वारा प्रकाशित वाक्य दस अध्याय के ग्यारह पद की भविष्यवाणी पूरा होने पाएगा एंड एट द सेम टाइम बी टू इन दिस लास्ट दुसो वैसा ही इन अंतिम दिनों में दो झुंड के भविष्यवाणी की झुंडों को प्रभु तैयार करेंगे द लास्ट डेज कंपनी ऑफ मोजस इन द लास्ट डेज कंपनी ऑफ इलाइचा इन अंतिम दिनों की मूसा की झुंड और एलिया की झुंड

इंडिया ओन नेशन और ये दो गवाही की जो सेविकाएं जो कर रहे हैं उसी कार्य को अलग अलग राष्ट्रों में वे वैसे कार्य को ले जाएंगे possible, आप पूछ सकते हैं ये कैसा संभव है मैं एक साधारण एक उदाहरण देना चाहता हूँ बिफोर द लॉर्ड जीजस अपन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लेने जाने से पहले गो एंड बी my witnesses." वर्ल्ड और अपने चेलो से कहा सारे संसार भर में जाकर मेरे गवाही दो एंड वेन द डिस तैयार थे जाने के लिए them, no, उनसे वो कहने लगा नहीं तुम अभी तैयार नहीं हो वेट इन जेरूसलम टू रिसीव

वी रीड पहला बारह अध्याय के चार और पांच पद में हम पढ़ते हैं द होली स्प्रेड टेक्स द गिफ्ट एंड डिवाइड इक्वली अमंग द होल बॉडी ऑफ क्राइस्ट पवित्र आत्मा इस वरदानों को लेकर एक सम्मान्य कलिशा के हर एक से बांट देते हैं सो इट वॉज वन लॉर्ड जीसस वो एक प्रभु यीशु मसीह वन होली स्पिरट एक पवित्र आत्मा बट वेन ही फेल डाउन अपॉन द दिसाइपल्स जब ये बारह छेलो के ऊपर उतर आए वन लॉर्ड जीसस मल्टीप्लाइड ट्वेल्व टाइम्स एक प्रभु यीशु मसीह बारह गुना बढ़ने लगे शो यू एन एग्जाम्पल एक और उदाहरण दिखाता हूँ इन मैथ्यू चैप्टर टेन मती दसवीं अध्याय में द लॉर्ड जीसस कॉल्ड हज ट्वेल्व डिसाइपल्स प्रभु ये मसीह ने अपने बारह छेलो को बुलाया And he gave them his power. उन्होंने उनको अपना सामर्थ्य दिया टू ही ताकि बीमारियों को चंगाई दे टू का दुष्ट आत्मा को बगा को चंगाई दे इन टू रेस दक की मृतकों को भी जिलाने के लिए एनी टोल यू गो

और बाद में लुकार समाचार दस अध्याय में पढ़ते हैं That he selected another 70 disciples. और बाद में और सत्तर छेलों को उन्होंने चुना एंड गिव देम पावर इन लाइक द सेम फर्स्ट मैनर पहले समान ही उन्होंने भी उनके लिए सामर्थ्य दिया On the first occasion, the Lord Jesus was multiplied. पहले अवसर में यीशु मसीह बारह बढ़ने लग गए दूसरे अवसर में यीशु मसीह अभी सत्तर गुना बढ़ने लग गए हैं एंड देन ऑन द थर्ड ओकेशन आफ्टर हिस्स रेजरक्शन अब ये तीसरे अवसर उनके जी उठने के बाद वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिसाइपल्स ऑन द डे ऑफ पेंटोकॉस पेंटोकोस के दिन में पवित्र रात में एक सौ बीस छेलो के ऊपर so अब वो जो है 120 गुना गुणवत्त हो गए हैं। ना लुक एट द नंबर्स अब इन संख्याओं को देखिए फर्स्ट इट वॉज 1 टाइम्स 12 फैला एक गुना 12 सेकेंड टाइम इट वॉज 1 टाइम्स 70 दूसरी बार एक गुणा सत्तर एंड टाइम इज वन टाइम्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी तीसरी बार एक गुणा एक सौ बीस सो इज प्रेसिडेंस इन बिब्लिकल हिस्ट्री हैपन इन फ्यूचर बाइबल के इतिहास में इसके विषय में पहले से बताया गया कि भविष्य में क्या होगा सो नाउ ना बी टू विटनेसेस अब ये दो गवाही होंगे बट स्पिरिट एंड द पावर वो बी मल्टीप्लाइड ऑन ग्लोबल स्केल

टू कंपनी आप में से बहुत से लोग अपने आत्मा में महसूस कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है बुला रहा है की इनमें से आप एक होने पाएरिंग अगर आप पवित्र आत्मा को महसूस कर पा रहे हैं रीड द लाइफ ऑफ द प्रोफेट इलाइचा भविष्यता मूसा और एलिया की जिंदगी के विषय में पढ़ के देखिए प्रार्थना करके अपने आप को तैयार करिए अमेन अमेन मीट अगेन नेक्स्ट वीक God bless you all. अगले हफ्ते मिलते तक परमेश्वर आप सबको आशीष दें। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049.